मैं आज आपको क्लास 12th की पूरी रिस्क के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दिस इज ए वेरी ब्यूटिफुल एंड मेलोडियस पोएम। इसका हिंदी अनुवाद है, यह एक बहुत ही सुंदर और सुरीली कविता है। इन दिस पोएम द पोइट जेंट रैंड, इस कविता के कवि जेंट रैंड हैं। टेल्स अस अबाउट द रिस्क, जेंट रैंड रिस्क के बारे में बताते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क एपरिंग एपरिंग, कि हमें हंसने में जोखिम है। द फूल एपरिंग द फूल, पागल दिखने का। टू वीप इज टू रिस्क एपरिंग सेंटीमेंटल, रोने में जोखिम है भावुक दिखने का। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न, प्यार करने का, प्यार करने में जोखिम है प्यार वापस ना मिलने का। इन द पोइट से अबाउट द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन हिज लाइफ, कभी ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में कभी रिस्क जोखिम नहीं लेता है और स्लेप्स नहीं लेता है। दे आर नथिंग और वे कुछ नहीं हैं। एंड हैव नथिंग और उनके पास कुछ नहीं है। वी मस्ट टेक रिस्क, हमें जीवन में सफल होने के लिए, वी मस्ट टेक रिस्क टू सक्सेस, हमें जीवन में सफल होने के लिए इन लाइफ जो जीवन में जोखिम लेना चाहिए। वी मस्ट टेक रिस्क टू सक्सेस इन लाइफ। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल है। दिस इज ए वेरी ब्यूटिफुल एंड मेलोडियस पोएम। इन दिस पोइम द पोइट जेंट रेंड टेल्स अस अबाउट दिस द रिस्क। टू लव इज टू रिस्क एवरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क एवरिंग सेंटिमेंटल, टू लीव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड टू रिटर्न। द पोइट सेज अबाउट द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन हिज लाइफ और स्लेप्स। They are nothing and have nothing. We must take risk to succeed in life. आपको ये वीडियो अच्छी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसकी जिससे उन वीडियो इस वीडियो का लाभ उन दोस्तों तक पहुंच सके। तो मुझे दीजिए विदा, देखते रहिए मेरा चैनल SK Teach। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।